हाँ तो दोस्तों, आज की सवारी की जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा सुहाना है और हमारी जो स्नो वाइट है उसने ले ली अच्छे से बात, और स्नो बीस्ट अभी फटाक से नाम रखा है, स्नो बीस्ट एंड स्नो वाइट, कैसा नाम है अगर अच्छा लगे तो बताना। फिलहाल अभी हम चल रहे हैं क्योंकि हमारी चमचमाती स्कॉडा रैपिड बोलने का होता है बेइज्जती करा देते। हेलो नमस्ते दाब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है फिर से एक बार स्कॉडा के ऊपर, क्योंकि हाल ही में हमारे जो स्कॉडा के वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप सबने, उसके लिए बेहद दिल से शुक्रिया दिल से। अगर आपको पता होगा कि हाल ही में हमने अपने इस स्कॉडा में रैपिड में चेंज कराया था सबवूफर JBL का, तो JBL का सबवूफर तो यार बहुत ही बढ़िया है। अगर इन केस आपने वो वीडियो ना देखा हो तो इधर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, जाके देखना। तो दिक्कत ये हुई कि जो इसका स्पीकर है उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो इतनी रिफाइंड नहीं है, इतनी प्यारी नहीं है। मतलब जैसे आप अगर कंटिन्यू उसको सुनोगे तो थोड़ी सी इरिटेशन होती है, क्योंकि मेरे दोस्त को 2 महीना हो गया है ये कार चलाते हुए। और साउंड की बात करूं तो पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ कि कैसा लगा इसका स्पीकर? रिफाइंड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी सीन ऐसा है कि हम जा रहे हैं शॉप पे जहाँ पे हमने अपना सबवूफर इंस्टॉल कराया था, उनके यहाँ हमने एक पाइनियर का देखा था। तो उसका जब मैंने अभी उनको कॉल करके कंफर्म किया, जो कि मैं आपको बता दूँ ये वाला जो मॉडल आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये वाला मॉडल मैंने वहाँ पे देखा था, बट अभी उनके पास वो स्टॉक पे नहीं है। उनके पास स्टॉक पे जो स्पीकर्स अवेलेबल हैं इस टाइम, जो कि हैं हर्ट्स के और JBL के। तो अभी यार क्या करना है कि मैं जा रहा हूँ, मारुति सुजुकी जो है वो हर्ट्स का सिस्टम सेल करती है, आपको भी आवाज़ सुनाता हूँ, अगर अच्छी लगी तो भाई अपना हर्ट्स पे जाएगा लगवा लेगा। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिसकी वजह से मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट में भी बहुत से लोगों ने बोला था, तो मैं बता दूं कि जो वारंटी होती है गाड़ी की वो वॉइड नहीं होती है। अगर आप प्लग इन प्ले स्पीकर पे काम करवाते हो, मतलब क्योंकि वो एक निकालेगा और उस पर लगा देगा, स्पीकर की बात कर रहा हूँ, बट मैंने जब सबवूफर लगवाया था तो मैंने उसकी वायरिंग कटवाई थी, ठीक है? तो वायरिंग कटने से वारंटी वॉइड होती है, और बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं जो कि इतने टैंट्रम नहीं करती, बट स्कॉडा के टैंट्रम कुछ ज़्यादा रहते हैं अपनी इन सब चीज़ों को लेके। तो जो वारंटी है वो हमारी गाड़ी की वॉइड हो गई है। अब बात करते हैं कि वॉइड हो गई तो उससे हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जो हमारा फ्रेंड उसकी खुद की गाड़ी है, अब वो कुछ भी कराए। लोग क्या करते हैं कि गाड़ी शोरूम से निकालते ही करोल बाग पहुँच जाते हैं और वहाँ पर सारा अपग्रेड कराते हैं, क्योंकि क्या होता है, एक बिलीव होता है एक ब्रांड को लेके कि इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी इंजन से रिलेटेड, तो वारंटी इतना मैटर नहीं करता है। तो अभी सीन ये है कि मैं चुप होता हूँ और मैं जाता हूँ सीधा मारुति सुजुकी के शोरूम में और आपको हर्ट्स की क्वालिटी दिखाता हूँ, उसके बाद अगर पसंद आया तो लगवाते हैं और आप मिलो मुझे। जो मैंने आपको सुनाया वो मैं KTL गया हुआ था, मतलब मारुति सुजुकी के शोरूम में गया हुआ था, और वहाँ पे हर्ट्ज के जो साउंड क्वालिटी जो थी वो मुझे भी पसंद आ गई, मेरे फ्रेंड को भी पसंद आ गई। क्यों? लेकिन हम उसको बाहर करवाने आए थे इंस्टॉल सिग्मा ऑटोमोबाइल्स में, जो कि आपको पता होगा लास्ट टाइम जहाँ से मैंने सबवूफर इंस्टॉल कराया था वहाँ पर। तो अभी यार अभी प्लान में चेंज ये हुआ कि हमने जो स्पीकर का सोचा था वो उसमें चेंज करके हम आगे 2 कंपोनेंट लगा रहे हैं, और पीछे क्या लगवा रहे हैं? 2 कोएक्सियल लगवा रहे हैं स्पीकर्स। तो उससे क्या होगा कि जो आवाज़ में हमको और थोड़ा दम मिलेगा, क्यों? हाँ बिल्कुल। और जैसी आवाज़ होगी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले आप ज़रा इसका जो स्टॉक साउंड का जो क्वालिटी थी वो सुनो कि हमने क्यों चेंज करवा रहे हैं, क्योंकि शायद आपको इतना अच्छा ना समझ में आए। तो यार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है क्रॉसओवर हर्ट्ज का। क्रॉसओवर में ये जो वायर आ रहा है ये बेसिकली यहाँ से आपको रिफाइन करके ये स्पीकर पे जाएगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जो क्वालिटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी, रिफाइंड आएगी, आवाज़ में लाउड भी रहेगा और चुभेगी नहीं। और ट्विटर ये रहा इसका, और ये रहा स्पीकर।
तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो स्पीकर है इसके साइड में रबड़ लगी हुई है जिसकी वजह से जो शीशा होता है वो नीचे डाउन करते टाइम लड़ता नहीं है। स्पीकर जो होता है वो 6.5 इंच का होता है तो वो अंदर चला जाएगा, विंडो का जो आपका शीशा है वो नीचे नहीं डाउन होगा, तो इसलिए ये रबड़ लगाते हैं कि थोड़ा सा बाहर आ जाए, आपका जो विंडो है उसमें दिक्कत ना हो। और मैं बता दूं एक बार फिर से, जिनको वारंटी के बारे में बहुत ज़्यादा समस्या थी कि वारंटीज की वॉइड हो जाती है, तो हाँ अगर आप यहाँ से सब ऊपर लगाते टाइम यहाँ से अगर आप वायरिंग कट करवाते हो अंदर तो आपकी वारंटी वॉइड होती है, लेकिन ये प्लग इन हो रहा है सीधा तो इसमें वारंटी वॉइड होने का कोई भी चांस नहीं है। तो ये मैं क्लियर कर दूँ आपको कि अगर आप कभी स्पीकर और कंपोनेंट को आप अगर अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि आप देख सकते हो डायरेक्टली इसको प्लग इन कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या है कि इसमें वायरिंग कोई कटने का इशू नहीं आता, आपकी जो वारंटी है वो बिल्कुल आपके पास सेफ रहेगी। तो यार बता दूं कि जो इसकी हेड यूनिट है, जो ये आपका क्रॉसओवर है वो पावर लेता है हेड यूनिट से, एंड एक जाता है स्पीकर में और एक ये वाला जो वायर है ये जाएगा ट्विटर पे। जो आप एरिया देख रहे हो जिसमें ट्विटर लगा हुआ है वाला स्क्रीन पे, ये पूरा इन्होंने कट करके किया है नाप से और इतना ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग दिया है कि बिल्कुल भी कटा हुआ पता नहीं चल रहा। तो यार जो आगे की बातचीत है वो हो गई है पूरी, मतलब आगे हमारे जो कंपोनेंट्स हैं दोनों लग गए हैं, पीछे लगवा रहा हूँ ये कोएक्सियल, ये आपको दिखा देता हूँ सही से, तो ये कोएक्सियल जाएगा पीछे। ज़्यादा मेहनत वाला काम आगे का था क्योंकि आगे कंपोनेंट के साथ ट्विटर भी होता है ना, तो उस पर थोड़ी मेहनत लगी, पीछे ना तो ईजी लग जाएगा। ये दोनों काम बस होने वाला तो हो जाए, फिर उसके बाद आपको सुनाऊँगा अच्छे से इसका साउंड क्वालिटी। चल तो यार मैं इंस्टॉलेशन कराने के बाद थोड़ा सा बाहर आके मैंने सोचा यहाँ पे पीसफुल एक जगह पे आपको अच्छे से इसका जो साउंड है वो सुना देता हूँ। लेकिन उसके पहले सबसे ज़रूरी चीज़ बता दूँ, जो दो पॉइंट मेन है कि सबसे पहली चीज़ तो अगर आपको ऑडियो की क्वालिटी अच्छे से सुननी हो तो कोई भी नॉर्मल यूट्यूब से और किसी भी ऐप से ऐसे प्ले करोगे तो आपको आवाज़ नहीं आएगी, आपको उसके लिए पेड कोई भी ऐप पे जियो सावन ले लो या तो एप्पल म्यूज़िक ले लो या फिर आप स्पॉटिफाई पे पेड अगर आपने ऐप यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर आएगी एज़ कम्पेयर टू बाकी सारी ऐप के थ्रू अगर आप सुनते हो। और दूसरी मेन चीज़ कि मैंने यार इस पे जो कनेक्शन कराया है वो डायरेक्टली प्लग इन वाला है, मतलब कोई भी वायरिंग नहीं कटी है। तो यार बिना टाइम वेस्ट करे आपको ना मैं इसका साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ कि कैसा बजता है आज। तो यार ये जो था स्पीकर की आवाज आपको जो मैंने सुनाई, ये बेसिकली आगे दो कंपोनेंट लगे हैं हर्ट्ज के, बाकी पीछे कोएक्सियल हर्ट्ज के वो भी हैं, तो चार स्पीकर दो ट्यूटर के बाद ऐसी आवाज है। और अब मैं सुनाता हूँ आपको जो मैंने सबवूफर इंस्टॉल कराया था उसके बाद कैसी आवाज है इसकी। ये थी हमारे स्पीकर की आवाज़। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब स्कॉडा रैपिड में जब इसका स्टॉक हमने यूज़ किया तो हमें इतना अच्छा उसकी साउंड क्वालिटी नहीं लग रही थी, मतलब रिफाइंड जो होता है साउंड वो बिल्कुल नहीं था। उसके बाद हमें नौबत आ गई कि ये चेंज कराने में। वैसे मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि इस प्राइस रेंज में और भी स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि तो जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये कोएक्सियल है पाइनियर का और ये दूसरी फोटो जो है ये कंपोनेंट है। तो यार ये जो मैंने आपको स्पीकर्स दिखाए ये इसी प्राइस रेंज में है। तो यार ये देख रहे हो आप, ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट के साथ मतलब स्पीकर प्लस ट्यूटर ये अलग से होता है। तो पर्सनली ये था कि हमारी जो कार है वो राइडर बेस मॉडल है, तो हमारी कोशिश ये थी कि यार हम चुटपुट पैसा लगा के, हल्का फुल्का पैसा लगा के अपने थोड़े से शौक पूरे कर ले, एकदम से इतना ज़्यादा बजट हम इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अगर छोटी सी चीज़ में कम से कम में अगर अच्छी चीज़ मिल जाती है तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर होती है। और मेरा भी आपको सजेशन रहेगा कि अगर आपने स्कॉडा राइडर लिया और अगर आपको स्पीकर सेटिस्फाई नहीं लगते हैं तो आप इस पे स्विच कर सकते हैं, मात्र 5500 रुपये लगेगा। तो यार इतनी जानकारी जनित में जा रही है और आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए ऐश काटो, मजे करो, जिंदगी जियो क्योंकि जिंदगी बहुत हसीन है।